जीना, ये क्या है? ये तो घोड़ा है। कलर क्या है घोड़े का? काले रंग का लग रहा है। तो ये जगह को क्या कहते हैं? क्योंकि ये काले रंग का घोड़ा है इसलिए काला। वाह 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 वाह, इतना मुश्किल रिडल तुमने सॉल्व किया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? पहले कभी आए हो इधर? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। प्रॉमिस दीदी, गॉड प्रॉमिस, आई स्वेयर मैं नहीं आई। ओह गॉड। अच्छा, मस्ती तो बहुत हुआ, काला घोड़ा काला घोड़ा। पता नहीं, देखो मैं यहाँ आके ना अभी रियलाइज हुआ, अरे तो बहुत बार आई, पता नहीं जब मैं साउथ बॉम्बे आती हूँ या वेस्टर्न साइड जाती हूँ ना, मुझे लगता है सब एक जैसे। मैं इसको कितने बार पूछी, किधर है काला घोड़ा, किधर है? अच्छा इधर से जाना है, मतलब हम आ गए, हम अभी नहीं आए। अच्छा हम आ गए। आने के बाद लगा कि इतने बार आए फिर भी मैं ऐसे हो जाती हूँ। पर चलो त्रिना कहाँ लेके जाएगी फिर देखती हूँ। उससे पहले आप कुछ बोल रही थी, कुछ मेमोरी एसोसिएटेड है आपका। हाँ, एक्चुअली एक टाइम ऐसा था ना कि एवरी वीकेंड हम लोग यहाँ आते थे, क्योंकि सामने मैं दिखाती हूँ रिदम हाउस है। रिदम हाउस मतलब वी कैन से कि इज अ आन बान शान ऑफ मुंबई। जो लोग म्यूजिक प्यार करते हैं, म्यूजिक से लगाव है, वो लोग ये जगह कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और इतना रेगुलरली हम आते थे बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, जब कैसेट था तब भी, जब सीडी हो गया तब भी, आई डोंट नो अभी तो बंद हो गया। बहुत ख़राब लगता है, और आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, है ना? तो बहुत ख़राब लगता होगा, क्योंकि इतना रेगुलर बेसिस हम आते थे और इतना एंजॉय करते थे। अंदर का माहौल ही एक अलग होता। इवन हमारे प्रोग्राम में भी याद है, यहाँ हम लोग टिकट्स वगैरह के लिए आते थे। नीता से मिलने, राइट। तो चलो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए रिदम हाउस जो अभी एकदम बंद हो गया। कहा कि मैं और त्रिना शायद हम लोग अभी जहांगीरा कर जाएंगे, इधर आए हैं, मौका मिला, थोड़ा सा आर्ट के बीच में नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता है। डेफिनेटली बहुत खुश हो जाती हूँ जब इस माहौल में आप आते हो, और आज तो स्पेशली इतना अच्छा लगा कि जैसे ही हम अंदर आए ना, हमें बंगला सुनाई दिया। तो फिर देखिए कि नजमा से हम मिले, जो बांग्लादेश से आई है ढाका से, उनका पेंटिंग का एग्जीबिशन यहाँ हो रहा है। तो वी आर रियली, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुश हूँ मैं। तो अभी नजमा से हम सुनेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसे है और किस तरह से वो काम करती है। और इस साइड में देखिए है मेरे एक और भाई औरू, ही इज़ फ्रॉम कोलकाता। पर अभी आप समझ सकते हो कि हम चार बंगाली अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और सच में इस माहौल में अगर बंगाली आ जाए, क्योंकि I'm sorry to say, but still, Bengalis के लिए ना आर्ट एंड कल्चर का एक अलग रूप होता है। तो चलिए नजमा से सुन लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में आप बता दें। बचपन से पेंटिंग करता है, तो फिर मेरा इंटरमीडिएट पास करने के बाद में मैं आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो पहले आप फिगरेटिव करती थी, आप बता रही थी कि पहले आप फिगरेटिव काम करती थी और अभी आप एब्स्ट्रैक्ट कर रही हैं। फिगरेटिव काम करते हैं, देन 20 इयर्स आई डिड एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मैं थोड़ा सा बोलूँ, एक्चुअली 4 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया है, और आप सुन के समझ गए ना कि बंगाली है। तो हमारे हिंदी ऐसे ही है, एक तो जेंडर का कुछ इधर उधर हो ही जाता है, वो मुझे आज 30 साल के बाद भी होता है, तो ये नेचुरल है। तो 4 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया, एंड बचपन में एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ था, वो पेंटिंग कर रही थी तो सडनली उनके ड्रेस में आग लग गया, दिया गिर गया, आग लग गया। तो फिर वो उस हाल में उनको हॉस्पिटल दिया गया, और तब उनके मामी जी, राइट, मामी जी ने देखा कि कंप्लीट नहीं हुआ पर एक पेंटिंग वहाँ था, तो वहाँ से पता चला कि वो बहुत अच्छे कलाकार बन सकती है, और जो आज वो बन भी गई है। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा पेंटिंग भी दिखा देती हूँ, और मैं उसका नंबर भी दे देती हूँ। आप लोग जो
पेंटिंग से प्यार है, आर्ट से प्यार है, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करिए। वो बॉम्बे तो शायद जहांगीर आप पहली बार आए हो, राइट? यस, क्योंकि जहांगीर आर्ट गैलरी में आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है और इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आके एग्जीबिशन करते हैं, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कैलकटा में और दूसरे सिटीज़ में, इवन अब्रॉड में भी काफ़ी एग्जीबिशन करती है। मैं नंबर देती हूँ, आप लोग बात कर सकते हो, उनसे पेंटिंग भी ले सकते हो और उनका एग्जीबिशन देखने के लिए। राइट, कैलकटा में भी उनका एग्जीबिशन होता है और पेंटिंग्स मिल भी जाएगी। राइट, तो नंबर से आप लोग मैं दे दूँगी, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसा लग रही हूँ कि और दुनिया में। चलिए, थैंक यू नजमा, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इंडिया का नंबर यहाँ पे उनका पेंटिंग हमेशा मिलता है और पूरे साल भर नाजवादी आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपका उनसे कैसे कनेक्शन? मैं ढाका गया था शो के लिए 2003 में, 21st जो भाषा दिवस है। अच्छा, 21st February जो होता है, राजभाषा दिवस। मेरा जो गुरु था उनके साथ हम गए थे, तो नाजवानी वहाँ से वहाँ पे मिला, फिर दीदी बन गया और एक साथ जा कुछ भी। यहाँ दीदी यहाँ कोलकाता आती है तो यहाँ पे शो या कुछ करना, तो यहाँ पे हम आए हैं, दीदी का शो चल रहा है इसलिए आए हैं। फिर यही शो लेकर हम जाएंगे कोलकाता वापस। अच्छा, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे कोई पेंटिंग है आज नहीं? अभी नहीं है, मगर अच्छा। मैं पेंटर हूँ कोलकाता में, अभी मेरा शो चलता है और मैं मेरा स्टूडियो है कोलकाता गोल्फ क्लब। और बॉम्बे भी आना होगा अभी? हाँ, अभी तो आना होगा। होगा ना? ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, अभी ना हम लोग जस्ट उसके अपोजिट में, जहांगीर के अपोजिट में स्टारबक्स में आ गए। ये हम सोचे कि थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि अब भी थोड़ी देर पहले नजमा और औरत मिले और इतना अच्छा हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा लगा इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो थोड़ी देर और एक साथ बिताते हैं, हम आए हैं स्टारबक्स में, चलिए दिखाते हैं। देखिए चीना कितना खुश हो। कैसे टेस्ट? अच्छा है, ठीक है, ओके ओके। क्या क्या ऑर्डर दिया? हमने ऑर्डर किया है 2 चिकन सैंडविच ऑर्डर किया है और 1 काकोरी रैप, विच इज ऑल्सो चिकन, काकोरी कबाब रैप। ओके, और साथ में 3 कैपुचिनो। और मैं आप तो कॉफी पीते नहीं हो, तो आपने क्या ऑर्डर किया? मैंने किया है ऑर्डर हिबिस्किस एंड पैशन फ्रूट लेमनेड। ओके, आप मुबारक हो आपको, आप ही पियो। दिस रिमाइंड्स यू ऑफ द एयरपोर्ट। चलो ओके, खा लो।
अच्छा देखिए, अभी हम वहाँ से निकले ना तो 2 घंटा ऑलमोस्ट लगा ना रे ड्राइव करके, 1.5 घंटा फिर आए। अभी हीरानंदा नहीं पहुँच गए तो घर के पास ही है, पर फिर भी लगा थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं, एक्चुअली बहुत नींद आ रहा है दोनों को। हम आइसक्रीम खाने आए अप्सरा, इसका आइसक्रीम का तो कोई जवाब नहीं है। देखिए मैं पहले भी दिखाई, दिस इज गुआवा ग्लोरी, मतलब बेसिकली पेरू का टेस्ट, गुआवा का टेस्ट और लाल मिर्च पाउडर। एंड ये है रोस्टेड आमंड श्रीना के लिए। चलिए खा लेते हैं, अभी गाना चला दो भैया, गाना पे खा के बता दो। बहुत अच्छा है ये भी, बहुत अच्छा है चीना वाला भी ना, बहुत अच्छा है और उसमें आमंड पूरा भर भर के है एंड रोस्टेड ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। चलो चलो खा लो चीना, नहीं तो मैं खा लूँ। अच्छा चीना कैसा लगा अप्सरा आइसक्रीम? बहुत बढ़िया लगा, लेकिन कितना टायर्ड लग रहा है ना, बहुत टायर्ड के भी लग रहा है ना हम। हाँ। देखो ऐसे ही सो जाओ, इधर ही इधर बोलेंगे तो इधर ही सो जाएंगे ना। हाँ एनीवे आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे लोगों से मिले, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ है ना जी। तो चलो आज इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, बहुत अच्छा रहिए, बहुत खुश रहिए, बाय।